द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में आत्मघाती हमले से शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। खबर आ रही है कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव में दो फिलिस्तीनियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें कई इसराइली घायल बताए जा रहे हैं और एक इसराइली महिला की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस हमले से इसराइल की राजधानी तेल अवीव में चारों तरफ जो है वो तनाव पैदा हो गया है और डर का माहौल बना हुआ है। खबर आ रही है कि दो फिलिस्तीनियों ने 17 से 20 इसराइलियों को घायल कर दिया है और एक महिला की इसमें मौत भी हो गई है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, गुलाम नबी मदनी से लेकर ट्वीट करते हैं और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसराइल की कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर इन्होंने शेयर की हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव के रनाना इलाके में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के फिदायीन हमले में, फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमले में 17 कब्जे वाले जायोनी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक इजरायली महिला की मौत हो गई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से दो फिलिस्तीनियों ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव में किस तरह से जो है वो तहलका मचा दिया, किस तरह से जो है वो कहर बरपा दिए, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है और शहर में चारों तरफ जो है वो अफरा तफरी भी मची हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है, अब ये हमला कैसे किया है, किसने किया है, इसके पीछे क्या जानकारी आ रही है सामने, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अमरेश मिश्रा जो लगातार हमास इसराइल से जुड़ी खबरें अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं, अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर करते हैं, उन्होंने इसे लेकर भी जो जानकारी साझा की है वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर अमरेश मिश्रा का एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं। यहाँ लिखा है कि पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट का तेल अवीव के पास 20 इसराइली घायल, एक मृत, यानी कि 20 यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं और एक महिला की मौत हो गई है। इसराइली राजधानी के पास रनाना ज्यूइश सेटलमेंट में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक सेटलर को चाकू मारने के बाद उसकी कार पर कब्जा किया, फिर 3 अलग अलग स्थानों पर कार को 2 बार बदल कर उसे इसराइलियों पर चढ़ा दिया, जिसमें 20 इसराइली घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो गई है। इसमें कुछ तस्वीरें यहाँ पर इन्होंने शेयर की हैं, उसकी जो झलक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और किस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों में वहाँ पर तनाव भी पैदा हो गया है इस घटना के बाद। तो दो फिलिस्तीनियों ने यहाँ पर एक इसराइली से उसकी गाड़ी छीन करके उसकी गाड़ी जो है वो इसराइलियों पर ही चढ़ा दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 17 से 20 जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी के साथ यहां पर एक और ट्वीट उन्होंने शेयर किया है, इस सिलसिले में लिखा है कि अल्लाह सबसे महान है, मैंने अपना बदला ले लिया। ये अमरेश मिश्रा नहीं बल्कि जिन फिलिस्तीनियों ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के रनाना में जो आत्मघाती हमला किया है उनका कहना है। यहाँ उन्होंने लिखा है कि तेल अवीव रनाना इसराइली सेटलमेंट में 20 सेटलर्स को घायल करने और एक को मौत की नींद सुलाने वाले पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट के 2 हीरोज में से एक ने टेलीग्राम पर यह लिखा था, इनका एक रिश्तेदार हाल के हफ्तों में शहीद हो गया है। कहा जा रहा है कि दोनों एक ही परिवार से हैं, हालांकि दोनों को जो है वो इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। जागरण की खबर में जो है ये बताया गया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देख रहे हैं, इसमें आपको पता लगेगा कि क्या वहां पर हालात हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और जो इसराइल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर क्या माहौल है। इसराइल में हमास इसराइल जंग का जो है वो अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, सड़कों पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से अभी तक इजरायली सैनिक एक भी अपने बंधक को छुड़ा नहीं पाया है, एक भी बंधक को रिहा नहीं करवा पाया अपने दम पर, उसे लेकर भी लगातार उसकी निंदा हो रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं कि कब जो है वो हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं उनको छोड़ा जाएगा, कब इसराइल जो है उनको हमारे सामने वापस लेकर आएगा। अब वाजिद खान का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसराइल के पूर्व सेना प्रमुख और युद्ध कैबिनेट के वर्तमान सदस्य गादी एजनकोट का बयान सामने आया है। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है सुनिए। हमास से अंधाधुंध लड़ाई कर इसराइल अपना ही नुकसान कर रहा है, ये उन्हीं का बयान है, इसराइल के पूर्व सेना प्रमुख और युद्ध कैबिनेट के वर्तमान सदस्य। इसराइली कैदियों को रिहा करने का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता करना है, शायद यही हो सकता है क्योंकि अभी तक तो जंग को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 4th महीना लग चुका है, लेकिन अभी तक इजराइल एक भी सैनिक अपने दम पर नहीं छुड़ा पाया। इस खबरों में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमास ने
हमास के कमांडरों को इसराइल ने ढेर कर दिया है, इसराइल के कमांड सेंटरों को तबाह कर दिया है, इसराइल के ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बंधकों को ढूंढ नहीं पा रहे और अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पा रहे। खुद ये बात इसराइल के पूर्व सेना प्रमुख कह रहे हैं। आगे लिखा है, याद रहे कि कुछ हफ्ते पहले गादी अजनकोट के बेटे की भी गाजा मुजाहिदीन के हाथों मौत हो गई थी। आपको याद होगा कि हमास के साथ जंग में उनके बेटे भी जो है वो मारे गए थे, जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि हमास के साथ जंग लड़ना और जंग जीतना जो है वो संभव नहीं है, और ना ही हम जंग लड़कर उनसे अपने जो बंधक हैं वो छुड़ा सकते हैं। एक ही तरीका है अपने बंधक छुड़ाने का, वो है उनके साथ समझौता करना। इसी के साथ वाजिद खान का दूसरा ट्वीट देखिए, जिसमें अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा बता रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर गाजा में 1000 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। 1000 इजरायली सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं, तो सोचिए कि कितने इजरायली अब तक मारे गए होंगे, कितने इजरायली सैनिकों का वहां पर जो है वो खात्मा हमास और फिलिस्तीन रेजिस्टेंस और अल कसम ब्रिगेड ने कर दिया होगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का ये आर्टिकल देखें, जिसमें लिखा है कि इसराइल ने पूरे गाजा पर बमबारी कर दी है, जिसमें 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इसराइल लगातार बास नहीं आ रहा है गाजा पट्टी में बमबारी करने से। एक बार फिर से सोमवार को इसराइल ने जो है वो गाजा पट्टी में बमबारी की है, जिसमें एक ही परिवार के एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 12 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। इसी के साथ उस हमले के बारे में भी बताया गया है जो इसराइल के तेल अवीव के रनाना में हुई है। यहाँ पर लिखा है कि इसराइल के मध्य के रनाना शहर में 2 कारों से कुचलने की घटना में एक महिला की मौत हो गई है और 17 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों कारों के फिलिस्तीनी चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन घटनाओं के बाद इसराइल में सामुदायिक तनाव पैदा हो गया है। पुलिस इसे आतंकी घटना बता रही है। इस घटना के लिए जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो एक ही परिवार के हैं और मूल रूप से वेस्ट बैंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालत इसराइल की हो गई है। एक के बाद एक इसराइल जो है वो लगातार उसे झटके मिल रहे हैं और लगातार उसके सैनिक, उसके जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला से जंग भी इसराइल की शुरू हो गई और हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, ताकि इसराइल और भी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमास इसराइल जंग के बीच क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह से इसराइल जो है वो लगातार किसी न किसी बुरी खबर से सामना कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमरेश मिश्रा का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से IDF की जो IDF के जो डिवीज़न है वो एक एक करके गाजा से पीछे हट रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंट की ज़बरदस्त मार से भारी नुकसान उठाने के बाद IDF का 36वां डिवीज़न गाजा से वापस चला गया। गाजा में केवल 3 डिवीज़न बचे हैं। आज सुबह वेस्ट बैंक को नियंत्रण करने के लिए डुब देवन इकाई को गाजा से जो है वो स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसराइल ने जमीनी आक्रमण तो शुरू कर दिया, लेकिन जमीनी आक्रमण इसराइल पर ही भारी पड़ रहा है और किस तरह से इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खुद इसराइल के सैन्य प्रमुख और इसराइल के जो नेता हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।